नमस्कार जय श्री राधे मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करष्पा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल को आप सब देख सकते हैं फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पर तो आप मुझे तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इसके अलावा गूगल पर आप जाएंगे तो मेरे सारी जगह के जो जैसे कौन कौन से चैनल्स पे मैं वर्क करती हूँ या मेरा कौन सा यूट्यूब चैनल है क्या इंस्टाग्राम आईडी है क्या लिंकड इन है सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी तो गूगल पर भी आप डॉक्टर करिश्मा कौशिक एस्ट्रोलॉजर को सर्च कर सकते हैं और अगर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कोई भी प्रडिक्शन आप लेना चाहें तो जो हमने बैनर शेयर किया है आपके साथ यानी जो स्क्रीन पे डिटेल्स हैं इनसे आप जुड़ सकते हैं इनका नाम जो है काफ़ी हद तक अच्छा है प्रडिक्शंस में अगर आप में चाहते हैं प्रडिक्शंस लेना तो इनसे आप इजीली प्रोडिक्शंस ले सकते हैं बहुत अच्छे प्रोडिक्शंस गए हैं इनके बिग बैश लीग में साउथ अफ्रीका लीग में तो तकरीबन पचानवे प्रतिशत तक इनका जो प्रडिक्शन का हिसाब रहा है वो बहुत सॉलिड रहा है अगर आप किसी भी तरह के क्रिकेट या स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई प्रोडिक्शंस लेना चाहते हैं तो इनसे प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईजीली नंबर हमने शेयर कर दिया है चलिए बात करेंगे मैच नंबर सेवन की पी एस एल लीग यानी पाकिस्तान सुपर लीग मैच नंबर सेवन ये होगा नाइनटीन फेबररी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का और दोपहर के ढाई बजे का मैच रहेगा दो मैच हैं इस दिन क्योंकि संडे का दिन है अब संडे फंडे है तो दो मैचेस देखेंगे क्या होगा दोनों मैचेस का पाकिस्तान सुपर लीग में तो सबसे पहला मैच होगा ढाई बजे का मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और अगर यहाँ पे हम मुल्तान सुल्तान को देख के चलें तो मोहम्मद रिजवान जो है वो कैप्टन है और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जून एक 1992 इनके डेट ऑफ बर्थ है आ, भाई क्या ही क्या लास्ट मैच में पेशावरी के अगेंस्ट जो है इन्होंने बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया था बयालीस गेंदों में छियासठ रन इन्होंने बना लिए थे बहुत ही एक कमाल का स्कोर था वहीं पे अगर मैं बात करूं कि Uh, इनका इस जो मैच में परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा तो इस मैच में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा छियासठ हम स्कोर नहीं कह सकते मगर यस डेफिनेटली यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जो इनका स्कोर रहेगा वो अराउंड अराउंड फिफ्टी के अबव फिफ्टी अप्रॉक्स जो है बन सकता है अबव नहीं कहूँगी थर्टी फाइव टू फिफ्टी का एक हम रेशो लेके चलेंगे इसका स्कोर का जो वो बनने के चांसेस हैं यहाँ पे अगर मैं टीम वर्क की बात करूँ मुल्तान सुल्तान के तो बहुत अच्छा नजर आएगा इस्लामाबाद मुझे यहाँ पे थोड़ी वीक दिख रही है इस्लामाबाद की भी बात कर लेते हैं जो कैप्टन है एस खान यानी सा शादाब खान डेट ऑफ बर्थ है फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन एट की यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा हालांकि राइट हैंडेड लेग ब्रेक जो है ऑलराउंडर बैट्समैन है मगर जो इनका लास्ट का मैच रहा था कराची किंग्स के साथ वो बहुत कुछ खास नहीं रहा था अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और आउट हो गए थे और विकेट्स भी नहीं ले पाए थे चालीस रन दे और दिए थे अगेंस्ट खेलने वाली टीम को तो यहाँ पे मैं इस्लामाबाद की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीक दिख रही है अगर यहाँ पे हम बात करें खाता भी खुलने की तो एक स्कोर की अब जो मैं आइडिया लेकर के चल रही हूँ वो यहाँ पे इनका रह सकता है कम से कम कम से कम पंद्रह से अट्ठारह रन के बीच में तो ये इनका स्कोर रहेगा और इसके अलावा अगर हम बात करें कि टॉस कौन सी टीम जीतेगी इस्लामा यूनाइटेड्स के डेफिनेटली टॉस जीतने के चांसेस बन रहे हैं और अगर यहाँ पे हम बात करें मैच विनिंग के तो मैच विनिंग के लिए मैं कहूँगी कि 82-85 परसेंट चांसेस मुल्तान सुल्तान के हैं इस्लामाबाद के मैच जीतने के चांसेस नहीं हैं uh, बाकी देखेंगे कि क्या होगा इस मैच में क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास टर्न एंड ट्विस्ट भी नज़र नहीं आ रहा है जो मैं कहूँ कि टर्न एंड ट्विस्ट के बाद ही जो है मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं इसमें कोई भी लक कोई भी टर्न एंड ट्विस्ट का नाम नहीं ले रही हूँ बाकी uh, जितने चांसेस हैं मुल्तान सुल्तान के सबसे ज़्यादा हैं देखेंगे इस मैच के दौरान क्या होगा और कौन सी टीम विन रहेगी इसके अलावा जो है मैच नंबर आठ जो कि होगा रविवार के दिन ही और शाम के साढ़े सात बजे का वो होगा कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदस कौन सी टीम विनिंग रहेगी कौन सी टीम टॉस जीतेगी ज़रूर देखना ना भूलिए मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लाइफ पर डॉक्टर करशमा कौशिक पे और सारी की सारी जानकारियाँ ज्योतिष से जुड़े हुए ज्ञान की या आपके प्रश्नों की जो आपके प्रश्न मन में उठते हैं उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी मेरे दूसरे चैनल पे इंद्रजाल बाय डॉक्टर करिश्मा कौशिक और हमारी छोटी छोटी डेली लाइफ की चीज़ें देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा ब्लॉगिंग चैनल माँ बेटा ब्लॉग्स के नाम से तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तीनों ही चैनल्स को लिंक जो है तीनों ही चैनल्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिविन है इंस्टाग्राम पर भी जा कर के आप हमारी सारी अपडेट्स देख सकते हैं फेसबुक पर भी आप अपडेट्स देख सकते हैं तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार